इस वीडियो के हीरो जिस महान गायक की हम बात कर रहे हैं उनका पासपोर्ट पे नाम था प्रबोध चंद्र डे। इनका बचपन कोलकाता में बीता था। इनके कॉलेज में ये बॉक्सिंग और रेसलिंग किया करते थे, लेकिन जैसे थोड़ा बड़े हुए इन्होंने मुक्केबाजी और कुश्ती को छोड़कर संगीत में मन लगाया। शहर भी बदला, कोलकाता से मुंबई आ गए और पहचान भी बदली। प्रबोध चंद्र डे अपने निक नेम मानना के नाम से मशहूर हुए, एक ऐसा नाम जो उनको ज्यादा पसंद था एज कंपेयर टू प्रबोध चंद्र डे। आज मानना दा के बारे में बात करूंगा। मैं हूं राहुल, यह है 70mm विद राहुल। मानना दा को म्यूजिक की पहली तालीम, पहली शिक्षा मिली अपने चाचा कृष्ण चंद्र डे या केसी डे से। ये एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन सिनेमा में, जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे, गाना गाते थे, म्यूजिक डायरेक्शन देते थे, और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इतना सब ये नेत्रहीन होकर करते थे। केसी डे ही वो इंसान थे जिन्होंने मन्ना डे को पहला सिंगिंग ब्रेक दिया था, एक ऐसी फिल्म में जो 1942 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था तमन्ना और ये एक डुएट गाना था जो मन्ना डे ने सुरैया जी के साथ गाया। जागो 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 आई उषा, पंछी बोले जागो 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 आई उषा। ये गाना हिट नहीं था और इस गाने के बाद मन्ना डे ने कुछ भजन गाए, जिसके बाद मन्ना डे पर एक लेबल लग गया कि ये भजन जैसे गाने ही गाता है। मन्ना डे इस बात से काफी दुखी थे क्योंकि वो उस जमाने के पॉपुलर गाने गाना चाहते थे जो उन्हें कोई दे नहीं रहा था। मन्ना डे वापस कोलकाता लौट जाना चाहते थे, लेकिन तभी केसी डे उनके चाचा के एक शिष्य ने मन्ना डे की मदद की। उस शिष्य ने मन्ना डे के लिए गाना कंपोज किया और वो गाना मन्ना डे की लाइफ का पहला सुपर डुपर हिट गाना बना। उस शिष्य का नाम था सचिन देव बर्मन और वो गाना था 1950 में रिलीज हुई एक फिल्म मशाल का। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल, अरे वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला तूने किया कमाल। इस गाने के बाद मन्ना दा को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग किस्म के गानों के ऑफर्स आने शुरू हुए। देशभक्ति रस में डूबा हुआ फिल्म काबुलीवाला का मुझे एक गाना याद आ रहा है, सलील चौधरी साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में। मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। मन्ना डे ऐनक लगाते थे, चश्मा पहनते थे, शास्त्रीय संगीत जानते थे। अपने चाचा केसी डे से उन्होंने म्यूजिक नोटेशन को भी पढ़ना सीखा था। एक ज़माने में तो वो दूसरे सिंगर्स को म्यूज़िक नोटेशन सिखाते भी थे। उनकी एक ऐसी इमेज तैयार हुई कि ये बड़ा सीरियस किस्म का बंदा है, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को टाइपकास्ट बहुत जल्दी कर दिया जाता है। मन्ना डे को भी कुछ सीरियस किस्म के ही गाने ज़्यादा मिले गाने को। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ रहा है फिल्म सीमा का गाना शंकर जयकिशन का म्यूजिक था, व्हाट अ सॉन्ग इट वाज। तू प्यार का सागर है, ये गाना शैलेंद्र साहब ने लिखा था। और शैलेंद्र साहब का ही लिखा हुआ एक और सीरियस किस्म का गाना मुझे याद आ रहा है जो मन्ना डे को दिया गया था गाने के लिए, एक ऐसा गाना जिसे मन्ना डे के चाचा केसी डे के शिष्य सचिन देव बर्मन ने कंपोज किया था, एक ऐसा गाना जिसे
अशोक कुमार साहब पे पिक्चराइज किया गया था। पूछो ना कैसे मैंने दैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने दैन बिताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहिनी नींद न आई, पूछो ना कैसे मैंने दैन बिताई। मन्ना डे के बारे में हमेशा ही एक बात कही जाती है कि इतना टैलेंट होने के बावजूद, शास्त्रीय संगीत में इतनी नॉलेज होने के बावजूद, क्यों उनको मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, काफ़ी हद तक मुकेश साहब, इन जैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। और उसका कारण ये है कि फॉर सम और द अदर रीज़न मन्ना डे एक परमानेंट आवाज़ नहीं बन पाए उस जमाने के सुपरस्टार्स की, यानी दिलीप कुमार, देव आनंद या राज कपूर, इन सब की परमानेंट आवाज़ें कोई और थीं। हाँ, राज कपूर की जहाँ तक बात है, मन्ना डे साहब ने कुछ गाने ज़रूर गाए, लेकिन यस, परमानेंट आवाज नहीं बन पाए। चोरी चोरी का गाना मुझे याद आ रहा है। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त बिदाए, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। यूं तो मन्ना डे ने राज कपूर के लिए कई गाने गाए और पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि हर गाना प्ले करूं, लेकिन एक गाना तो मैं प्ले करूंगा ही करूंगा, क्योंकि उस गाने में रोशन साहब का म्यूज़िक था, साहिर साहब ने इस गाने को लिखा था, और कोई भी मन्ना डे के ऊपर बनाया हुआ वीडियो शो या प्रोग्राम इस गाने के बिना पूरा नहीं हो सकता। भूल गई सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके, हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। मैं आपसे कुछ देर पहले ही कह रहा था कि मन्ना डे को तीन सुपरस्टार्स, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद, जो उस जमाने में बल्क ऑफ द पिक्चर्स कर रहे थे, उनकी परमानेंट आवाज बनने का मौका नहीं मिला। इसलिए मन्ना डे के कई गाने, कई फेमस गाने उन एक्टर्स पर फिल्माए गए जो अच्छे स्टार्स थे लेकिन सुपरस्टार्स नहीं थे। और ये एक वजह है कि मन्ना डे को हमेशा ही द अदर सिंगर समझा गया। जैसे बसंत बहार फिल्म में एक बहुत ही फेमस गाना है मन्ना डे का, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, पिक्चराइज्ड ऑन भारत भूषण। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सुना, सुर के बिना जीवन सुना, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे। मुझे इस वक्त एक फिल्म याद आ रही है, मेरे हुजूर। इस फिल्म का म्यूजिक शंकर जयकिशन ने दिया था। इस फिल्म में एक रोमांटिक गाना, रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। इसे फिल्म के रोमांटिक लीड जीतेंद्र पर पिक्चराइज किया गया था। और इस फिल्म में क्लासिकल गाना था, मन्ना डे का एक फेमस गाना, जो फिल्म के अदर हीरो, पैरेलल लीड राजकुमार ने गाया। और इस तरह के कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब मन्ना डे को फिल्म का मेन रोमांटिक गाना गाने का मौका नहीं मिला। एनीवे, लेट्स एंजॉय द सॉन्ग दैट मन्ना डे सैंग फॉर राजकुमार साहब। जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया,
प्रीत के गीत सुनाए पाए ले जनक जनक तोरे बाजे पाए ले जनक जनक तोरे बाजे पाए ले। आज जब मन्ना दा के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये कहना बहुत जरूरी है कि मन्ना डे का एक यूनिक रिकॉर्ड है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। उनके नाम दो ऐसी जुगलबंदियां हैं जहां एक उन्हें हारना चाहिए था वो जीत गए और दूसरी जहां उन्हें जीतना चाहिए था वो हार गए। फिल्म बसंत बहार में एक क्लासिकल जुगलबंदी मन्ना डे और भीमसेन जोशी साहब के बीच हुई थी जहां मन्ना डे जीते और भीमसेन जोशी ना चाहते हुए भी हारे थे। मधुर मधुर थोरी थोरी मीठी बदियों से गोर चित चुराए हंसत जाए चित चुराए हंसत जाए चोरी कर सिर झुकाए शीश झुके चल चल लट गालन को छूले गालन को छूले केत की गुलाब जूत चंबक बन फूले केत की गुलाब जूत चंबक बन फूले केत की गुलाब जूत। इस जुगलबंदी में मन्ना डे भारत भूषण की आवाज बने थे। 1956 में ये फिल्म बसंत बहार आई थी और दूसरी जुगलबंदी मन्ना डे को लेकर 1968 में रिलीज्ड फिल्म पड़ोसन में हुई थी, द फेमस जुगलबंदी बिटवीन मन्ना डे एंड किशोर कुमार। और मन्ना डे ना चाहते हुए भी उस दिन किशोर दा से हारे थे क्योंकि ये फिल्मी जुगलबंदी है। इसमें मन्ना डे महमूद साहब की आवाज़ थे और महमूद फिल्म के हीरो नहीं थे, सुनील दत्त थे जिनकी आवाज़ बने थे किशोर दा। और फिल्मी जुगलबंदी में हमेशा हीरो जीतता है और पैरेलल लीड साइड हीरो या जो विलेन होता है वो हारता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा तू क्या जाने क्या है नारी जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 मन्ना डे के कई ऐसे बेहतरीन गाने हैं जो किसी भी एक्टर पर फिल्माए नहीं गए, वो बैकग्राउंड में बजे हैं। फॉर एग्जांपल एक फिल्म आई थी आविष्कार 1973-74 में स्टारिंग राजेश खन्ना एंड शर्मिला टैगोर। इस फिल्म के जब क्रेडिट्स चलते हैं वो जगह जहां फिल्म में किसने किसने काम किया है उनके नाम आते हैं वहां बैकग्राउंड में मन्ना डे की आवाज आती है। कई बार ऐसा हुआ है जब आम जनता को पता भी नहीं चला कि ये किसकी आवाज वो सुन रहे थे लेकिन वो आवाज मन्ना डे की थी। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है कोई हम दर्द नहीं दर्द मेरा साया है हंसने की चाह ने कितना मुझे। मन्ना डे साहब को अपनी जिंदगी में कई सरकारी अवार्ड्स मिले यानी मल्टीपल नेशनल अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्मभूषण, दादा साहब फाल्के, लेकिन पॉपुलर अवार्ड्स के नाम पर उनके साथ कंजूसी की गई। मन्ना डे ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक फिल्मफेयर अवार्ड जीता, मेरा नाम जोकर, उस फिल्म के लिए जो राज कपूर की पसंदीदा फिल्म थी और वो फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इकलौता फिल्मफेयर अवार्ड मन्ना डे का इस गाने के लिए था। ए भाई जरा देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं बाएं भी ऊपर ही नहीं नीचे भी ए भाई। मन्ना डे साहब ने हिंदी, बांग्ला और हिंदुस्तान की कई ऐसी भाषाओं में
इतना बेहतरीन काम किया है जिसे सुनकर मन्ना डे फैंस आज भी ऐसा मानते हैं कि मन्ना डे को और पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए थी और रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी जो उन्हें नहीं मिली। लेकिन लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर और मन्ना डे साहब का ये एक सुपर डुपर हिट गाना है जो जिंदगी के इसी उतार चढ़ाव के बारे में बातें करता है। मन्ना डे, व्हाट अ मैन ही वॉज एंड व्हाट अ म्यूजिशियन ही वॉज, इस आवाज को मैं सल्यूट करता हूँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।